नमस्कार, सरोज द एप्रन गर्ल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मावा गुजिया रेसिपी। होली का त्यौहार आने वाला है और इस त्यौहार पर ये रेसिपी बनाई जाती है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि आप घर पर ही आसानी से गुजिया कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है 300 ग्राम मैदा, 300 ग्राम खोया या मावा, आधा कप पिसे हुए काजू का पाउडर, 1/3 कप किशमिश, 1/4 कप घी लिया है आटे में मोयन के लिए, 2 कटोरी ली है खांड, इसकी जगह पे आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, 1 कटोरी पिसा हुआ नारियल का पाउडर या नारियल को ग्रेट करके ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और ये दूध, मैदा का डो तैयार करने के लिए 1 गिलास दूध लिया है। अब हम मैदा को एक बड़े बाउल में डाल लेते हैं। अब ये मैंने मोयन के लिए घी लिया था, 2 बड़े चम्मच मेल्ट किया हुआ घी है ये। घी डालने से जो हमारे गुजिया हैं वो बहुत ही करारे और अच्छे बनेंगे। पहले मैदा में हम घी को अच्छे से मिक्स करेंगे, हम इसको दूध से गूंथ लेंगे। तो आटे को हमें ना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है ना ही ज़्यादा हार्ड बनाना है, मीडियम सॉफ्ट आटा बना करके तैयार करना है। अब आटा तैयार हो गया है और अब हम इसको ढक देंगे और ढक करके लगभग आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इससे गुजिया बना करके तैयार करेंगे। अब हम गुजिया में फिल करने के लिए एक मिक्सचर बना करके तैयार करेंगे। उससे पहले हम कढ़ाई को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे घी लगा करके। अब जो खोया हमने लिया है उसको हम भून लेंगे इस तरह से कढ़ाई में ग्रीस, कढ़ाई को घी लगा के उसके बाद हम खोया भूनते हैं तो खोया बिल्कुल भी जलता नहीं है। और जैसे जैसे ये खोया भूनेगा ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। इसको चलाते रहेंगे ताकि जो ये खोया है वो बिल्कुल भी जलेगा नहीं। इसे फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, हाई करने से ये जल जाएगा। लो फ्लेम पे खोए को हमें भूनना है कि इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छे इसमें खुशबू आ रही है और एकदम से ये खट्टा हो गया है, मतलब खोया हमारा बिल्कुल अच्छे से भून गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर मावा हमारा एकदम ठंडा हो चुका है, इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 कटोरी नारियल का पाउडर, मावा के अंदर मिक्स कर देते हैं। इसके बाद ये डालेंगे 1/2 कप काजू का पाउडर, इलायची 1 छोटा चम्मच, ऐड करेंगे किशमिश और अब इसमें ये खांड डाल देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे ताकि मावा और में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो चम्मच से मिक्स नहीं हो रहा है, हाथ से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसा मिक्सचर होना चाहिए गुजिया में फिल करने के लिए। अगर इस तरह का मिक्सचर होगा तो गुजिया कहीं से भी खुलेगी नहीं और मिक्सचर भरने में भी हमें आसानी रहेगी। अब यहाँ पर हमने जो गुजिया के लिए आटा बनाया था उसे रखे हुए 1/2 घंटा हो गया है, एकदम अच्छे से सेट हो गया है। इसको हम हल्का सा मसल लेते हैं एक बार और अब हम इसमें से 1 लोई तोड़ लेंगे और बाकी आटे को अभी ढक करके रख देंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर इसको बेल लेंगे। इसे हमें ना ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला, देखिए इस तरह से। और फिर ये गुजिया का साँचा लेके, जो गुजिया का साँचा आता है उस पर हम इसको रख देंगे। सेंटर में हमें ये जो मिक्सचर हमने बनाया था वो रख देना है। अब ये मैंने लिया है दूध और किनारों पर मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ। दूध लगाने से खुलेंगे नहीं जब हम गुजिया को तलेंगे उस टाइम, तो किनारों पे मैं थोड़ा सा दूध लगा रही हूँ। आप कच्चा दूध या फिर उबाल के ठंडा किया हुआ दूध कोई सा भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे इस तरह से टाइट दबाते हुए और जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसको हम हटा देंगे। और ये देखिए इस तरह से हम सारे बना करके तैयार कर लेंगे। अब देखिए सभी गुजिया में मैंने मिक्सचर भर करके तैयार कर लिया है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब इनको तलने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं।
और इन्हें तलने के लिए हमें मीडियम हाई ऑयल गरम चाहिए, ज़्यादा गरम ऑयल हमें नहीं चाहिए। एक बार में कढ़ाई में जितनी आ जाएंगी उतनी भुजिया हम डाल देंगे। तो फ्लेम को आप बिल्कुल भी हाई मत कीजिएगा, इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इनको फ्राई करना है। अगर आपने फ्लेम को हाई कर दिया तो ये बिल्कुल भी कुरकुरे नहीं बनेंगे हमारी भुजिया। और एक साइड से जब ये सिक जाए तो इनको हम पलट देंगे। अब हमारे सारे भुजिया बनकर तैयार है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैदा में मोयन परफेक्ट डालें और कम से कम आधे घंटे के लिए मैदा को रेस्ट पर रखें और भुजिया का मिक्सचर भरने के बाद उसे कपड़े से ज़रूर ढकें, नहीं तो इनके ऊपर की जो लेयर है वो सूख जाती है और फिर फ्राई करते टाइम भुजिया खुल सकती है। और जो भुजिया का साँचा है उसको बार बार आपको सूखी मैदा में डिप कर लेना है, जिससे भुजिया साँचे पर चिपकती नहीं है। बस इन्हीं सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इनका ध्यान रखकर आप जब भुजिया बनाएंगे तो आपकी भुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।